मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और मुझे छठे दिन शादी के बाद मैं जेल चली गई थी। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ भरा रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि हमें ये कहा गया है जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि ये लड़की एक टेररिस्ट है और इससे दूर रहना, और जो इससे दूर नहीं रहेगा उसकी पनिशमेंट बांध दी जाएगी। ये बेल ऑर्डर का पता लगा कि मुझे बेल मिल गई है, तो वहाँ मुझे यकीन हुआ कि कानून अंधा हो सकता है लेकिन इंसाफ कभी अंधा नहीं होता। मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल था, लेकिन खुशी इस बात की थी कि फाइनली मतलब मुझे जीत हासिल हुई है, और वो भी मैं अगर कहना चाहूँ कि UAPA में, क्योंकि ये एक ऐसी दुधारी तलवार है जो बाहर आपके घर वालों को और अंदर आपको बहुत तंग करती है। रात को 12-1 बज रहे थे, हम लोग बातें करते रहे खुशी की वजह से, सब लोग जाग रहे थे कि कल इशरत चली जाएंगी, लेकिन तभी मेरी कुछ साथियों ने मतलब वहाँ पर जो प्रिजनर्स थे वो मेहंदी की कीप लेकर आए और मेरे पैरों पर मेहंदी लगानी शुरू कर दी। मैंने मना भी किया कि मैं अब घर जाऊंगी, मेरी विदाई होनी है, तब फंक्शन होगा, लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं, जब आप यहाँ पर आई थी 10 दिन के शादी करके 10 दिन बाद, तो आपके पैरों की और हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, तो हमें वो वक्त याद है और हम अब आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, हम एक शगुन की मेहंदी ज़रूर लगाएंगे। तो मैंने उनका दिल रखने के लिए कि वो मेरे बारे में मेरे से भी ज़्यादा सोच रही हैं। अभी तक भी मेरी फूड हैबिट्स, मुझे टाइम लग रहा है, अभी मैं लिक्विड डाइट पर ही चल रही हूँ, जबकि 1 हफ्ता हो चुका है। मैं वहाँ अक्सर बस दूध पिया करती थी, कुछ नहीं मैं ज़्यादा खाती थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे परिवार के साथ साथ वहाँ जाने कितने ढेरों लोग, जब मैं गेट से बाहर निकल के आई मंडोली जेल से, तो मेरे वेलकम के लिए वहाँ पर पता नहीं कितने लोग आए हुए थे, जिनमें से मैं कितनों को जानती भी नहीं थी, वो लोग फूल माला लिए मेरे लिए खड़े थे। मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब वो मेरी एक तरीके से सच्ची जीत थी। जब मैं घर पर पहुँची तो मेरे घर पर पटाखे और ढोल लेकर लोग खड़े हुए थे, और वो सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से नहीं थे, बल्कि इंक्लूसिव मुझे वहाँ पर माहौल देखने के लिए मिला। हमने कभी सोचा ही नहीं कि सोफ़े की भी क्या अहमियत होती है, लेकिन जब मैं सोफ़े पे आके बैठी तो मेरे आंखों में आंसू थे, क्योंकि 25 महीने मैंने 5.25 फीट की सिर्फ दरी पे बिताए हैं। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि वहाँ के खाने में और यहाँ के खाने में, वहाँ की चाय में और यहाँ की चाय में। मैं बात करूं, शुरू के कुछ महीने मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, और ये सिर्फ एक फेलो प्रिजनर्स की तरफ से नहीं था, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जेस्चर्स मेरे लिए थे। जब मैं वहाँ स्टार्टिंग में गई तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी फेलो प्रिजनर्स मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे उन लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन लिया, मुझे अपना दिया, मैं एक वकील थी तो उस नाते भी उन लोगों ने मुझसे अपना केस डिस्कस किया, और फिर वो लोग मेरे से धीरे धीरे वो ओपन अप हुए। तब उन्होंने मुझे बताया कि हमें ये कहा गया है जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि ये लड़की एक टेररिस्ट है और इससे दूर रहना, और जो इससे दूर नहीं रहेगा उसकी पनिशमेंट बांध दी जाएगी। मैं बुज़ुर्गों को योगा सिखाती थी, खुद भी योगा करती थी और उन लोगों को भी योगा सिखाती थी, हालाँकि मुझे ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पर कभी मुझे ये इकट्ठा नहीं होने देता था एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे वहाँ से हटा दिया जाता था। तभी एक पर्सोनल आते थे और आके बोलते थे कि भाई सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी रीज़न से आपको हमें हटाना पड़ेगा। लेकिन अक्सर हम गाने भी गाया करते थे और किसी की बेल रिजेक्ट हो जाती थी तो हम सब बैठ के रोया भी करते थे, किसी की चार्जशीट आती थी तो उसको पढ़ा भी करते थे। यकीन जानिए, मैंने सिर्फ वो 10 दिन अपनी फैमिली को दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे ये 10 दिन जीने हैं। मैं वो पास्ट भूल गई थी, और फ्यूचर में मुझे जबकि ये मालूम था फातिमा कि मुझे दोबारा से जेल जाना है, और पता नहीं कितने टाइम के लिए जाना है, क्योंकि ये इतना छोटा, इतनी आसान केस नहीं था। लेकिन मैं वो सब भूल गई थी कि वो तो मुझे बस सिर्फ वो 10 दिन मैंने जिए। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपने ससुराल में जो घर होता है वो पूरा घर भी नहीं देख पाई, 1 या 2 कमरे के सिवा। मैं मतलब शुरू शुरू में एक हिच होता है,
मैं सिर्फ जहाँ बैठ जाती थी वहीं बैठ जाती थी जाकर, और अभी मैं रिश्तेदारों से भी नहीं मिल पाई थी जो मेरे नए रिश्तेदार बने थे। मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और मुझे छठे दिन शादी के बाद मैं जेल चली गई थी। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भरा रहा था। और मुझे इतना भी वक्त नहीं था कि मैं अपनी शादी के फ़ोटोग्राफ्स भी देख पाती, जो हर लड़की का एक ख्वाब होता है। तो मुझे यही नहीं पता था कि 10 दिन आना, रश करना, 10वें दिन चले जाना, अगर मैं इंक्लूड करूँ तो मैं 8 ही दिन रह पाई। और जब फर्स्ट एनिवर्सरी आती है तो मेरे घर से भी, मेरे इन लॉज ने भी मुझे कपड़े भेजे और हमने एक केक तैयार किया। हम ब्रेड लेते थे, कॉफ़ी को अच्छे से बीट किया, कॉफ़ी उस पर लगाया और उसको डेकोरेट किया, जो भी हमारे पास जैम वैम होता था थोड़ा सा। तो मुझे वहाँ जो मेरे साथ मेरे बैरिक में प्रिजनर्स थे, उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया और मेरी आंखों में तो सिर्फ आंसू थे, लेकिन वो लोग रो रहे थे कि आप शादी भी यहीं से, शादी के लिए भी यहीं से गईं और फिर आपकी एनिवर्सरी भी यहीं हो रही है। आप देखिए, ये तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि मेरा मास बेस है। मैं यहाँ से 2012 में इलेक्शन जीती थी खुरेजी से, तो लोग मुझे पसंद करते थे क्योंकि मैंने लोगों का यहाँ पर बहुत काम किया, बहुत खिदमत की। इस बात से मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती, लेकिन ये एक एलिगेशन नहीं होना चाहिए। मुझे तो ये लगता है और ये कोर्ट में भी मेरे वकील ने दलील दी कि इसे तो हमें पॉजिटिव साइड में लेना चाहिए कि एक इंसान है जो इतना काम किया और आज उसकी फॉलोवरशिप है। फ्रेम तैयार किया गया जिसमें मुझे मेरे पिक्चर को फिट करने की कोशिश की गई। 15 दिन के अगर मैं पीसी रिमांड की बात करूं तो मुझे पता नहीं कितनी हज़ारों तस्वीरें दिखाई गईं और ये कहा गया इसे पहचानो, बता दो, ज़बरदस्ती मतलब मुझसे लिखवाने की कोशिश की जाती थी, मेरे से ब्लैंक पेपर्स पे साइन करवाए गए। 1 साल लॉकडाउन की वजह से हम लोगों की हियरिंग वर्चुअल रहती थी और वर्चुअल हियरिंग में सिर्फ मुझे ये नज़र आता था स्क्रीन पर, कंप्यूटर पे, कि ये लोग मेरे को अक्यूज़ बने हैं। मैं उनमें से एक को भी नहीं जानती थी। और जब पूरे 1 साल के बाद जब लॉकडाउन हटता है और पूरे 1 साल के बाद हमारी कोर्ट में फिज़िकल पेशी हुई, तो वहाँ पर मेरे और को अक्यूज़ से मुलाकात हुई। तो मीटिंग ऑफ माइंड्स, आप देखिए, कॉन्स्पिरेसी मीटिंग ऑफ माइंड्स से अगर ये लोग जनरेट करना चाहते हैं तो मैं किसी को नहीं जानती, किसी के कनेक्शन में नहीं। जो प्रोटेस्ट था, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं था। भले मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, मैं इलेक्टेड मेंबर रह चुकी हूँ, लेकिन मेरा कोई पॉलिटिकल मकसद वहाँ पर नहीं था। ये एक अलग ही कॉज था, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई थी। और वहाँ पर प्रोटेस्ट होता था, मैं भी वहाँ पर जाती थी। मैंने इसको भी एडमिट किया कि ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ नहीं गई, मैं वहाँ जाती थी, मैं वहाँ अक्सर जाया करती थी। वहाँ की जितनी औरतें बैठी हुई थी धरने पर, सबसे मिलती थी, हम लोग अपनी बात रखते थे, लोगों की बातें सुनते थे। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने कहीं भी ये प्रूव नहीं कर पाए। इनफैक्ट मेरे डिफेंस लॉयर ने एक वीडियो चलाया जिसमें मैं खुला बोल रही हूँ कि चक्का जाम अगर होगा तो मैं इस प्रोटेस्ट में नहीं आऊँगी। और चक्का जाम करने का नतीजा, चूँकि मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, चक्का जाम करने का नतीजा किस हद तक गलत हो सकता है, मैंने वहाँ पर भी वीडियो में वो बात बोली और वो सारी वीडियो आज ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में है। खुरेजी जहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं फातिमा, वहाँ दंगे ही नहीं हुए। और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ जिस बेल्ट पर ये दंगे होते हैं, खुरेजी प्रोटेस्ट वहाँ से कम 12 से 15 किलोमीटर दूर है। मेरी पौने दो महीने की पूरा जितना प्रोटेस्ट ये चलते हैं, जितने ड्यूरेशन रही, एक बार भी ये लोग मेरी लोकेशन नहीं दे पाए। चौदह तारीख को जिस दिन मेरी जमानत हुई है, उस दिन आधे घंटे पहले भी मैंने डीजी बॉक्स वहाँ पर आता है, उसमें मैंने अपनी चिट्ठी पोस्ट की है कि यहाँ पर सारे बाथरूम में एग्जॉस्ट फ़ैन लगना चाहिए, एग्जॉस्ट फ़ैन नहीं है। हमें बहुत तकलीफ़ होती थी क्योंकि बदबू बहुत ज़्यादा स्टिंक करता था और
फातिमा, मैं जेल रिफॉर्म्स के ऊपर भी बात करना चाहूँगी। अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है। अगर अगर देखा जाए तो ऐसे लोग हैं कि चार चार छः छः साल लोगों की मुलाकातें नहीं हैं, उनके पास कोई लीगल असिस्टेंस नहीं है, पैसा नहीं है। अगर वो अंदर काम करते हैं तो उनकी तनख्वाहें बहुत बहुत मीगर उनको सैलरी मिलता है। ये सारी चीज़ें हैं, कुछ उन्हें काम मिलना चाहिए। रिहैबिलिटेशन के नाम पे ज़ीरो है। अभी तक भी मैंने अंदर जो रियलाइज़ किया, जो मैंने देखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अभी तक भी ब्रिटिश रूल जो है कहीं ना कहीं वो आपको देखने के लिए जेल के अंदर मिलेगा। शादी को 2 साल होने वाले हैं और हमने 2 दिन भी ठीक से साथ में नहीं बिताए। कि मेरे इन लॉज ने मेरा बहुत साथ दिया। UAPA मेरे ऊपर लग चुकी थी, उसके बाद भी उन लोगों ने शादी के लिए हामी भरी। अंदर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर किसी पे शादी के बाद भी और बच्चे होने के बाद भी केस लग जाता है तो अक्सर सेपरेशन मैंने देखे हैं, औरतों को रोते हुए देखा है। तो मैं यहाँ ब्लेस्ड थी बहुत ज़्यादा कि मेरे इन लॉज मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं। और मैं लेकिन इसको कहूँगी कि ये ट्रू लव है और ये यकीन होता है। और शादी, मैं कहती हूँ कि यहाँ आके पता लगता है कि कौन इंसान आपके लिए किस कदर किस हद तक जाकर आपको साथ दे रहा है, आपको प्यार कर रहा है।